ओम शांति। तो सब शांत स्वरूप में स्थित होकर बैठना और शांत मन से सुनना, क्योंकि जो भी हम सुनते जाएं अंदर धारण होता जाए, क्योंकि जितना धारण होता जाएगा उतना हमारा मूल्य बढ़ता जाएगा। क्योंकि घर वालों को भी दिखना चाहिए, हम कहें हम ज्ञानी हैं, घर में हमारा साधारण कर्म हो रहा है, घर में उनसे व्यवहार तेरा मेरा हो रहा है, घर में हम क्या कर रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, शेष हैं हम ब्रह्मा कुमारी में, हम रोज गीता का ज्ञान सुनने जाते हैं, हम श्रेष्ठ हाँ बनने वाली आत्मा हैं, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। हमारा ज्ञान कुछ नहीं होगा। घर वाले भी देखना चाहते हैं। अगर एक बच्चा था, उसको माँ बहुत डांट रही थी, कहता माँ तुम आश्रम पे नहीं जाती हो, आश्रम जाया करो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तो बच्चे भी पकड़ते हैं, बड़े तो पकड़ते ही हैं। तो इसलिए हमें बाबा ने कहा अपने आप को देखो। कभी कभी कोई होता है ना, पति ऐसे बोलता है, हम ऐसे बोलते हैं, फिर वो ऐसा करता है, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ता है। बाबा ने कहा वो क्या करता है, वो पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है। श्रेष्ठ आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ बाबा पढ़ा रहा है, जिसकी प्रारब्ध भी बहुत ऊंची और श्रेष्ठ है। पढ़ाई कौन पढ़ रहा, घर वाले या हम? तो हम उनको देखेंगे या अपने को स्वयं को देखेंगे? स्वयं को देखेंगे ना, दिल दर्पण में स्वयं को ही क्या करना है, स्वयं को ही देखना है। क्योंकि जो भी कर्म इमीडिएट करते हैं वो हमारा क्या हो जाता, बीज। खेत में क्या कर दिया हमने, बीज बो दिया। जैसा भी बो दिया, श्रेष्ठ बो दिया या घटिया बो दिया, वो तो हम जब बो देते हैं ना, बाद में अगर अच्छा श्रेष्ठ बोया तो खुशी होती है, और घटिया किस्म का बीज बो दिया तो लगता है ये कैसे बो दिया, अब इसकी फसल क्या होगी, काटना तो हमें ही पड़ेगा, इस पर भी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान हमें ही देना होगा ना।